भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खतर आए थे भाई, चार जने बचे भाई हम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसने न जाने कितने लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया होगा। एक ऐसा जंगल जिसे पार करना मौत के कुएं में कूदने के बराबर है, लेकिन फिर भी लोग क्यों इस जंगल को पार करते हैं। दोस्तों लोग एक बेहतर जिंदगी और उज्जवल भविष्य के लिए अमेरिका की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले आता है वो खौफनाक जंगल जहां मौत हर रूप में आपका पीछा कर रही होती है। हम बात कर रहे हैं पनामा के जंगल के बारे में, जिसकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है दोस्तों, बल्कि मौत का जंगल है। और आज हम आपको इस जंगल की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। पंजाब के रहने वाले वरिंदर सिंह ने जब अपनी आप बीती बताई तो उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ये मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असल में दोस्तों हुआ ये कि वरिंदर सिंह एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए विदेश जाना चाहता था, जिसके बारे में उसने अपने घर वालों से बात की और घर वाले भी मान गए। लेकिन अब अगर ये नॉर्मल तरीके से अमेरिका जाते तो बहुत पैसे लगते और काफी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने पड़ते, और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए वरिंदर सिंह ने अमेरिका जाने का एक अलग तरीका निकाला, जिसे डोंकी कहते हैं। अब आप बोलेंगे भला ये क्या होता है, तो दोस्तों विदेश जाने के दो तरीके हैं। पहला तो कानूनी तरीका होता है, जिसमें लोग काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं और कुछ सालों बाद उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसे डोंकी कहा जाता है। इस तरीके से लोग लीगल नहीं बल्कि इलीगल तौर पर बॉर्डर पार करके विदेश जाते हैं ताकि वहां पर एक बेहतर जिंदगी जी पाए, और क्योंकि उनके पास लीगल तरीके से विदेश जाने के नए पैसे होते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे होते हैं कई बार उन लोगों का वीजा नहीं लगता, इसी चक्कर में लोग इस अवैध तरीके का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अवैध तरीके से विदेश जाने वाला ये रास्ता समुद्री जहाज के जरिए हो सकता है और सड़क के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, जहाँ लोग छोटे छोटे देशों से होकर बॉर्डर पार करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पहुँचने के लिए छोटे छोटे देशों से होकर सबसे पहले मैक्सिको पहुँचना होता है, और मैक्सिको पहुंचने के बाद आता है अमेरिका का बॉर्डर, और वहां पर लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाते हैं। पर दोस्तों ये सारी चीजें सुनने में जितनी आसान लग रही है, हकीकत में उतनी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है, क्योंकि मैक्सिको पहुंचने से पहले 8 देशों के बॉर्डर को पार करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले देश आता है इक्वाडोर, फिर आता है कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारगुआ, होंडुरस और ग्वाटेमाला, और तब जाकर कहीं आता है मैक्सिको यूएस बॉर्डर। लेकिन दोस्तों ये जो सभी रास्ते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक रास्ता वो है कोलंबिया और पनामा के बीच मौजूद पनामा के जंगल। इन जंगलों से होकर गुजरने वाले वरिंदर बताते हैं कि पनामा के जंगल तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, फिर जिन्हें पार करने में 6 से 7 दिन का वक्त लगता है। लेकिन ये रास्ता तब और ज्यादा भयानक हो जाता है जब आप रास्ता भटक जाते हैं और आपको रास्ता बताने वाले लोग भी जंगल पर ही छोड़कर भाग जाते हैं। ये सबसे ज्यादा मुश्किल परिस्थिति होती है, जिसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे पहले तो जंगल में आपको माफिया गैंग मिलेंगे जो लूटपाट करते हैं, जो आपसे आपका खाना पैसे वगैरह सब छीन लेते हैं, और अगर बदकिस्मती से कोई लड़की उनके हाथ लग गई तो वो लड़की की इज्जत भी लूट लेते हैं, क्योंकि ये काफी बदमाश किस्म के लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बदमाशों को ये पता होता है कि ये जो लोग जंगल पार कर रहे हैं ये गैर कानूनी ढंग से जंगल पार करके बॉर्डर पार करना चाहते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। ये माफिया लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और अगर कोई इसका विरोध करता तो उसे मौत भी दे देते हैं। वरिंदर ने खुद बताया पनामा के जंगलों को पार करते हुए उन्होंने कई सारी लाशों को देखा, जिनका या तो कत्ल कर दिया गया था या तो वो रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा बैठे थे, जिसमें कुछ लाशें ताजा थी और कुछ नर कंकाल का रूप ले चुकी थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि चलते चलते अगर कोई थक जाता था तो वो आराम भी नहीं कर सकता,
क्योंकि अगर कोई आराम करता तो वो अपने साथियों से बिछड़ जाता और फिर कोई उसे ढूंढने के लिए या फिर उसका इंतजार करने के लिए रुकता नहीं। हर किसी का ये मकसद होता है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जंगल पार कर ले, क्योंकि अगर बदमाशों के हाथ लग गए तो सब कुछ लूट जाएगा और जंगल में खो गए तो भूखे प्यासे ही जान चली जाएगी। इस जंगल में अकेले रहना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। वरिंदर बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर धीरे धीरे जंगल को पार किया और फिर आगे के सफर के लिए निकल गए। अब उन्होंने पनामा के जंगलों और बाकी छोटे छोटे देशों के बॉर्डर को पार करके मैक्सिको का सफर भी तय कर लिया। लेकिन जब वो मैक्सिको यूएस बॉर्डर पार कर रहे थे तभी उन्हें अमेरिकन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद वरिंदर को जेल भेज दिया गया और अमेरिका पुलिस के द्वारा बहुत टॉर्चर किया गया। वरिंदर बताते हैं पहले तो उन्हें 2 दिनों तक बिना कपड़े के फुल एसी वाले कमरे में रखा गया। वरिंदर को अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए 8 महीने की जेल हुई और 8 महीने बाद उसे वापस भारत भेज दिया गया। वरिंदर आज सब कुछ गंवा कर अपने गाँव में बैठा है, क्योंकि अमेरिका में नौकरी पाने के लिए उसने अपने एजेंट को 15 लाख रुपए दिए थे, पर अब वो पैसे वापस नहीं मिले। लेकिन वो खुश है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि दोस्तों कई बार कई सारे लोग गैर कानूनी ढंग से अमेरिका बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। कई लोगों के पास पछतावा करने के लिए जिंदगी नहीं बचती, क्योंकि पनामा के जंगलों में इनकी मौत हो जाती है। अगर आप भी अपने लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करो, कानूनी ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने गैर कानूनी रास्ते अपनाए तो अंजाम या तो जेल हो गया फिर मौत। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका वीडियो के बारे में कुछ ख्याल आ रहा है मन में तो जरूर बताइए। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।